कलीसिया के लिए परमेश्वर ने कौन से पांच उद्देश्यों को रखा है। अगर हम वचनों के दो मुख्य भागों को देखते हैं, वहीं पर हमें पांच मुख्य उद्देश्य मिलते हैं जो प्रभु ने अपने कलीसिया के लिए रखा है। मुख्य आज्ञा और महान आज्ञा, इन दो वचनों से हम बहुत ही परिचित हैं। आइए हम फिर से एक बार इसे देखें। महान आज्ञा और मुख्य आज्ञा, आप इसे जानते हैं, यह है मत्ती 22 में से और फिर है मत्ती अध्याय 28 से। परमेश्वर ने कलीसिया और आपको परमेश्वर के चेले के रूप में ध्यान में रखते हुए इस बात को आपके लिए बनाया है। मुख्य आज्ञा ये कहती है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को संपूर्ण हृदय, अपने प्राण और अपनी आत्मा और शक्ति से प्रेम करना। यह बहुत ही बार दोहराया गया वचनों के कई सारे भागों में। और यह हमें क्या बताता है कि मनुष्य का जो प्राथमिक लक्ष्य है कि वो प्रभु को जाने और उसका आनंद उठाए और परमेश्वर को प्रेम करे अपनी आत्मा प्राण और शक्ति से। और ये वे उद्देश्य है जिसे हम लोग कहते हैं आराधना, जिसे हम कहते हैं आराधना। आराधना एक मुख्य भाग है जिसके लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है। हम उसकी प्रसन्नता के लिए बनाए गए, हम उसे आनंद दिलाने के लिए बनाए गए हैं, परमेश्वर का आनंद उठाने के लिए बनाए गए। यही वो कारण है जिसके लिए परमेश्वर ने बनाया है, ताकि हम लोग उसके साथ में संबंध को बनाएं। और जब हम उसकी आराधना करते हैं, हम उस उद्देश्य को पूरा करते हैं। हम इसके विषय में और अधिक बात करेंगे आगे बढ़ने के दौरान। परंतु पहला जो उद्देश्य है वो है आराधना, और दूसरा उद्देश्य है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। तो यहाँ पर यीशु एक प्रश्न का उत्तर दे रहा है उस धनवान पुरुष को, जहाँ पर वो ये कहता है ये सभी आज्ञाएं इन दो आज्ञाओं में निचोड़ दी गई है। जब आप इसका संतुलन बना के रखते प्रभु और मनुष्य में, आप लगभग सभी बातों को सुलझा लेते हैं। अपने प्रभु को अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करो और अपने पड़ोसी को प्रेम करो, उसी रीति से प्रेम करो जैसे खुद से करते हो। जितना अपने आप से प्रेम करते हो पड़ोसी से करो। सेवा के बगैर आप प्रेम नहीं कर सकते, सही है? प्रेम और सेवा दोनों एक साथ कार्य करते हैं। जब मैं किसी से प्रेम करता हूँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ। मैं तो उनके उद्देश्यों की, उनके जरूरतों की और उनकी इच्छाओं की सेवा करता हूँ। मैं उनकी चिंताओं के प्रति जागरूक होता हूँ और मैं उसे पूरा करता हूँ। जब आप इसे करते हैं तो आप प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, और इसे ही कहते हैं सेवकाई। और जो सेवकाई है आराधना, ये दोनों ऐसी मुख्य बातें हैं महान आज्ञा में। हम देखेंगे कि कैसे इसे लागू करें, परंतु आरंभ में आराधना, उसके पश्चात हमारे पास में है सेवकाई। अगले स्तर में जाने के लिए आपको देखना होगा महान आज्ञा। महान आज्ञा वो है जो यीशु ने अपने चेलों को दिया था जब वह पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग जाने पर था। उसने कहा कि पूरे संसार भर में जाओ, और जब तुम जाते हो मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, जब तुम जाते हो तुम चेले बनाओ। वो कहता है कि आप इसे कर सकते हो प्रचार करने के द्वारा, सबसे पहले प्रचार करने के द्वारा या फिर अच्छी खबर देने के द्वारा। अच्छी खबर देकर लोगों को ये बताना कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है। तो जब आप इसे करते हो तो आप सुसमाचार का प्रचार करते हो, या फिर आप कह सकते हैं इसे सुसमाचार का प्रचार कहते हैं। सुसमाचार के लिए और एक शब्द है, वो है मिशन। परमेश्वर आपको एक मिशन के लिए भेजता है, और आपके जीवन का मिशन है लोग इस बात को जान सके कि वहाँ पर छुटकारा, क्षमा और परमेश्वर से मेल मिलाप है। तो सुसमाचार प्रचार, ये तीसरा उद्देश्य है एक विश्वासी का और एक कलीसिया का। और फिर वो ये कहता है तुम ये करो, तुम चेले बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। बपतिस्मा में हम लोगों को पानी में ले जाते हैं और बाहर निकालते हैं, और बपतिस्मा का ये जो चित्र है यह प्रतिबिंबित होता है प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के विषय। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको कब्र में फिर गाड़ा गया, और फिर हम भी पानी के अंदर में जाते हैं और अपने आप को यीशु से जोड़ते हैं। हम संसार के लिए मरे हैं जैसे कि यीशु मरे, और जैसे यीशु जीवित हो उठे हम बात करेंगे कि कैसे मसीह के लिए जीवित है, संसार के लिए मरे मसीह के लिए जीवित। हम यीशु मसीह के साथ में संबंध रखते हैं। अब यीशु जो कि स्वर्ग में है और उसकी देह पृथ्वी पर है, तो हम मसीह के देह के साथ में लोगों को जोड़ते हैं संगति में उन्हें बपतिस्मा देने के द्वारा। इसे कहते हैं संगति, उन्हें संगति में बपतिस्मा को दिया जाता है। अंतिम है उन्हें वैसा ही मानना सिखाओ, उन्हें करना भी सिखाओ। सिर्फ जानना ही नहीं, नियमों को व्यवस्था के विषय सतर्क रहना ही नहीं, परंतु उन्हें आज्ञाकारी बनना सिखाना, यही तो अनुशासन है। जब आप खुद को अनुशासित करते हैं आज्ञाकारी बनने के लिए और बढ़ने के लिए अनुशासित करते हैं, आप अनुशासित करते हैं ताकि आप मसीह के कदम दर चलते रहे। हम इसे कहते हैं शिष्यता, इसे कहते हैं शिष्यता। आइए हम इसे देखेंगे फिर से। पांच उद्देश्य जो परमेश्वर ने हर व्यक्ति के लिए बनाया है, जो कलीसिया के लिए परमेश्वर ने बनाया है, जिससे हम उसके साथ में जुड़ सके और उसके उद्देश्य के लिए हम जी सके। पहला जो है, हम अपने संपूर्ण हृदय आत्मा और प्राण से
और शक्ति से प्रेम करें, और दूसरा जो है कि आसपास के लोगों की सेवा करें परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन करते हुए दूसरों की सेवा करने के द्वारा, और तीसरा जो है कि उस परमेश्वर के छुटकारे की कहानी को बता सके, मेरे जीवन की कहानी को हम बता सके, हम इसे सुसमाचार प्रचार या फिर हम परमेश्वर के लिए मिशन। और अगला जो है वह है संगति, परमेश्वर के परिवार में आना और प्रवेश करना, परमेश्वर के परिवार में लाना, परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनना और जान लेना, और खुद को उसकी देह के साथ जोड़ना जब हम एक साथ उसकी गवाही देते प्रभु यीशु ख्रिस्त के विषय में। और सबसे अंतिम वह है शिष्यता, परमेश्वर के साथ के आपके चलन का अनुशासन। ये एक आदत है जो एक स्थान पर रखी जाती ताकि वे मसीह की समानता में बढ़ते चले जाए। यही तो है शिष्यता। ये तो परमेश्वर के उत्सव को मनाना है, ये लोगों की सेवा करने के विषय है, ये हमारी कहानी बताने के विषय है, और संगति का अर्थ है परिवार का हिस्सा बनना या उसके साथ में जुड़े रहना, और शिष्यता जो है वह बढ़ने के विषय है कि हम मसीह के जैसे बने। ये वे पांच उद्देश्य है और हम इसे चुनते हैं कि क्रियान्वित करें संतुलन के द्वारा, और सभी पांच उद्देश्यों को एक समान दर्जा देकर वचनों में।